तुझी बेचानी हो इबानी समिया फजर हुई तुम्हारे कारण खोल देखो नजर। इस वाणी का उद्देश्य क्या है? अज्ञानता के संसार में सत्य ज्ञान का प्रकाश करता है। आप अभी इस मंडप में बैठे हैं, अभी तो दिन का समय है। मान लीजिए रात का अंधेरा हो और बिजली कट जाए, आपको किसी कारण से जाना पड़े तो क्या करेंगे? दिखाई तो कुछ पड़ेगा नहीं, ये जितने थंबे हैं इससे टकराते फिरेंगे। सत्य हृदय में उस ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला करता है जिससे मनुष्य अपने जीवन पथ पर अग्रणी होता है। मनुष्य में और पशु पक्षी में क्या अंतर है? पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, प्रजनन करते हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन उसकी विशेषता यही है कि वो बुद्धिमान है। वो अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं को जानने का प्रयास करता है, मैं कौन हूँ, आए कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जानेगा। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाए बैठी भैंस बगला। आप उसके सामने वेदों के मंत्र कहिए, कुरान की आयतें कहिए, गीता के श्लोक कहिए, तारतम बाड़ी सुनाइए, भैंस के ऊपर क्या असर पड़ना है? वो खाना जानती है, सोना जानती है, वंश वृद्धि करना जानती है, मनुष्य इसके लिए नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और इस भवसागर के बंधनों को तोड़ने के लिए। भवसागर के बंधन क्या है? जिसको हम अच्छा समझते हैं वही तो सबसे बड़ा बंधन है। माया के संसार में हमें क्या चाहिए? मान लीजिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सुंदर साथ बैठे हैं और मतावलंबी भी बैठे हैं, आपको 100 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा भवन बनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदेंगे, पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, सुख सुविधाएं जितनी हो सकती है उतनी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये 100 करोड़ रुपये आपके बुढ़ापे को रोक नहीं सकेगा, आपकी मौत को रोक नहीं सकेगा, आपके रोगों को रोक नहीं सकता, या संगे संबंधियों से वियोग को रोक नहीं सकता। जो दुख सारे संसार में है वह दुख आपको लगेगा। यदि सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको दे दिया जाए तो भी इससे सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति कब मिलेगी? जब आपको अपने हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आप यह जान जाए कि जन्म से पहले मैं क्या था और शरीर जब छूटेगा तो मैं क्या रहूंगा। आपको मालूम है कि एक छोटा सा भ्रूण माता के गर्भ में बढ़ना शुरू होता है, 9 महीने के बाद बालक या बालिका के रूप में बाहर निकलता है। उसके पहले वो जीव किस रूप में था कुछ नहीं जानता, स्त्री की योनि में था, पुरुष की योनि में था, पशु पक्षी था, कीड़ा मकोड़ा था, पेड़ पौधा था, कुछ नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा अशुभ घट कोई घटनाक्रम ना हो जाए। मान लीजिए हमारे बीच में से कोई शरीर छोड़ता है तो चारों तरफ दीवाले बना दी जाए, फिर भी दीवाले तो रोक नहीं पाएंगे, दीवालों को छेद कर भी वो जीव बाहर निकल जाएगा। कैसा जीव है जो निकलता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देता। स्टील का कोई मकान बना दिया जाए जिसमें एक भी सुराख ना हो, फिर भी जीव उस कच्च से बाहर निकल जाए। मनुष्य सुख संसाधनों की वृद्धि कर सकता है भौतिक ज्ञान के द्वारा, किंतु जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश ना हो या जानने में असमर्थ रहता है कि वास्तविक सुख कहाँ है, वास्तविक शांति कहाँ है, वास्तविक प्रेम कहाँ है, और यही बताना अध्यात्म का लक्ष्य होता है। आज सामान्य रूप से मानव क्या चाहता है? भौतिकता का युग है, हर व्यक्ति बचपन से यह सपना सजोया होता है कि मैं करोड़पति कैसे बनूं, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, लेकिन उसके हृदय में प्यास नहीं मिलती है। वैसे तो ये गुजरात की धरती है, अब विशेषकर दाहोद में तो मैं ये जरूर कहूँगा, गुजरात में भी कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ केवल पैसे की भूख है। बहुत अमीर लोग हैं, 100 दिन की यात्रा में मैंने देखा था, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन उनके हृदय में राज्य के लिए कोई प्रेम नहीं है, आध्यात्मिकता से कोई प्रेम नहीं है।
यह जो दाहोद का इलाका है, यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर चाहना होती है जानने की कि कुछ ज्ञान चर्चा सुने, और इतनी तड़प जो ज्ञान चर्चा की है भारत के अधिकतर भागों में नहीं दिखाई देती। अब दक्षिण भारत में भी चले जाएंगे तो उधर ये परंपरा नहीं है कि मंडप लगा हो, सब लोग कथा सुन रहे हों, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। यह उत्तर भारत से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक ही सीमित है। महाराष्ट्र से नीचे के इलाकों में आप जाएंगे तो ज्ञान चर्चा की परंपरा नहीं, और ये दाहोद में तो कूट कूट कर भरी है। और मैं दाहोद की जनता को, यहाँ के सुंदर साधकों में धन्यवाद देता हूँ कि कोई किसी भी मत का कार्यक्रम हो रहा हो तो एक इसको सामाजिक कार्य मानकर सभी एक दूसरे के कार्य में जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण। तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति की जो व्याख्या की है उसमें पहला भेद बताया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति कृथा प्रसंगा, संतों के पास जाना उनसे आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करना। वेदांत इसको क्या कहता है, श्रवण मनन निदित्यासन। हम आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करें, उस पर चिंतन करें और बाद में ध्यान अवस्थित होकर उस परम सत्य को जानें। अब देखेंगे भारत में लगभग 1,40,00,000,000,000 की जनसंख्या रहती है, जिसमें हिंदू औसतन 100,00,000,000 के आसपास। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ क्या है, वेद। वेद थे, उपनिषद थे, दर्शन थे, गीता भी थी, भागवत भी था, कई पुराण भी थे, रामचरितमानस, महाभारत आदि न जाने कितने ग्रंथ थे। अकेले महाभारत में ही वर्तमान समय में 1,00,000 से अधिक श्लोक है। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की परंपरा है। लेकिन आप देखिए आज का हिंदू समाज कितना भटका हुआ है। क्या किसी को पता है कि परमात्मा किसको कहते हैं? मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। आप देखेंगे जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है जिन देवी देवताओं का, मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, उसके अनुसार देवी आती है। लेकिन आजकल तो आप पूरे देश घूमेंगे तो ऐसे ऐसे देवी देवता भी मिलेंगे जिनका कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन ही नहीं है। साईं बाबा का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी पुराण में नहीं मिला, क्योंकि ये तो 100-150 साल की बात है, छोटी सी। अभी साईं बाबा को जन्म लिए हुए कोई ज्यादा साल नहीं हुआ। कई ऐसे देवी देवता मिलेंगे जिनका कोई वर्णन नहीं, जैसे संतोषी माता का कहीं कोई वर्णन नहीं, कहानी बना दी गई, पिक्चर दिखा दी गई, संतोषी माँ की देवी हो गई। जो ग्रंथों में कहा है कि परमात्मा एकम एव अद्वितीयम, उसकी तरफ हिंदू समाज का ध्यान नहीं है। 2.5 करोड़ का अभी पिछले साल ही गुजरात में रूपपुरा गांव के पास एक मंदिर बना, शंकर जी का मंदिर। लेकिन आज भी उस गांव में जाइए तो 10 रुपये की गीता नहीं मिलेगी उस मंदिर में। 2.5 करोड़ का मंदिर है लेकिन 10 रुपये की गीता, वो ट्रस्टी सोचेंगे कि अरे पैसा बर्बाद होगा। तो 2.5 करोड़ रुपये केवल मंदिर की चार दीवारी बना देने में, दीवारों को बनाने में तो खर्च ये हिंदू समाज कर देता है, लेकिन वहाँ 5-10 रुपये की गीता नहीं मिल सकती। आज से 20 साल पहले तो 2.5 रुपये में भी 2 रुपये में गीता मिल जाया करती थी गीता प्रेस से। आजकल मान लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग स्तर की गीता की पुस्तक है। गीता की पुस्तक में 700 श्लोक है। 700 श्लोक में जानते हैं एकमात्र एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए कितनी बार लिखा है, अनन्यश्चिन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषां योगक्षेम नित्यं वहाम्यहम्। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम स्वयं परमात्मा ही वहन करता है। अनन्य भाव का अर्थ क्या होता है, जिसमें केवल एक ही हो, केवल एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन हो। आप कई बार चर्चा प्रवचनों में इस श्लोक को सुना करते हैं कि पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्या। यह श्लोक तो बहुत सरल है और अधिकतर बच्चों को भी याद हो गया। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है,
भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य अनन्य परा प्रेम से। तेरहवें और चौदहवें अध्याय में दोनों जगह कहा गया है कि भक्ति सत भक्ति योगेन अव्यभिचारी, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? अव्यभिचारी योग से। अव्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? जैसे पतिव्रता का केवल एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। अव्यभिचारी योग का तात्पर्य क्या है कि एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति न करे। क्या ये हिंदू समाज मानेगा? कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा कि हम आपकी गीता को नहीं मानते, हम आपके कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण जी के चित्र बनाकर पूजा करेगा, कृष्ण की मूर्ति की पूजा बनाकर करेगा, लेकिन कृष्ण जी के कथनों को नहीं मानेगा। जैसे कोई व्यक्ति नवग्रह की पूजा कर रहा, क्या कहा जाए कि भाई गीता में ऐसा लिखा है कि अनन्य भाव से केवल एक उत्तम पुरुष सच रहते की भक्ति करो, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या कहेगा? हमारी परंपरा से चला आया है, हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हम आपकी नई बात क्यों माने? ये नई बात नहीं है, आज से 5000 वर्ष पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानिए, और तो और छोड़िए, तुलसीदास जाते हैं वृंदावन में, श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब नए में धनुष बांध लो, आप राम के रूप में आएंगे तो मैं प्रणाम करूंगा, इस रूप में मैं प्रणाम नहीं करूंगा। एक तरफ इसको कट्टरता भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ निष्ठा भी कह सकते हैं। तुलसीदास जी की निष्ठा किस पर है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर। आप जाकर कामाख्या देवी के मंदिर में आप गीता पर प्रवचन कीजिए, आपको वहां कान से कान पकड़ कर बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई नहीं सुनेगा गीता की बात। आप वेदांत के सूत्र बोलिए, देखो भाई वेदांत में ये लिखा है, उपनिषद में लिखा, कहेंगे कि हम नहीं जानते, हम तो बकरा काटेंगे, भैंसा काटेंगे, खाएंगे पिएंगे, आपकी बात कोई सुनने वाले नहीं। और कहेंगे कि हम, हमारे से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण ही नहीं है। नेपाल में जाइए, एक गढ़ी माई का मंदिर है, वहां 1,00,000 से ज्यादा भैंसे काटे जाते हैं। किसके लिए? गढ़ी माई कोई देवी है, काल्पनिक देवी, किसी भी पुराण में गढ़ी माई शब्द ही नहीं, किसी राजा ने प्रचलित कर दिया। तो आज वहां बिहार से कहां कहां से लोग आते हैं भैंसों को काटने के लिए। कहेंगे कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं, यह क्या है? अज्ञानता का अंधकार है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसा है? हम कौन है? आए कहाँ से हैं? शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, तब तक हर प्राणी अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। अज्ञानता का अंधकार क्या है? हमारी आंखें दोनों खुली हैं, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, लेकिन हमारा जो हृदय है, जिसको हृदयाकाश कहते हैं, इसमें कुछ भी विवेक नहीं है, न चित्त में, न मन में, न बुद्धि में, न अहंकार में, न हमारे जीव में। हम मोह के सागर में जैसे असंख्य पानी की लहरें, जल की लहरें उछलती हैं, डूब जाया करती हैं, उसी तरह से इस संसार सागर में अनंत प्राणी तरह तरह की योनियों में भटकते रहते हैं, तृष्णाओं के पीछे भागते रहते हैं। वे अपना बचपन देखते हैं, यौवन देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, पुनः मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। जो उनके चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासना है, उनका पीछा नहीं छोड़ती, और वही वासना भिन्न भिन्न योनियों में भटकाती रहती है। करना क्या है इस भवसागर से पार होने के लिए? पहले तो ज्ञान का प्रकाश मिले। मनुष्य यह जाने कि हम वास्तव में कौन है। नचिकेता सत्य की खोज करना चाहता है, यमाचारी के पास जाता है। यमाचारी कहते हैं कि नचिकेता, तुम जो ये जिज्ञासा कर रहे हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह तो संसार में कोई जिज्ञासा करता ही नहीं। और उनको पहले लालच देते हैं कि तुम धन मांगो, सुंदर स्त्रियां मांगो, पुत्र पौत्र मांगो, राज्य मांगो, मैं सब कुछ आशीर्वाद दे देता हूं, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यह मत पूछो कि परमात्मा कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति यही तो पाना चाहता है। यदि किसी को धन मिल जाए तो क्या कहता है?
मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। किसी के घर बहुत पुत्र पौत्र हो जाए, बहुत अच्छा भवन बन जाए, 2-4-5-10 करोड़ का, सोचेगा कि यही सब कुछ है, लेकिन यह नहीं पता जिस भवन को बनाया इस भवन को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें बुरी है। आज हम बैठे हैं तो टेंट लगाए तो बैठे हैं, भोजन के लिए धन चाहिए, वस्त्र के लिए धन चाहिए, लेकिन धन किसको कहते हैं? जो धर्म पूर्वक पैदा होता है वह अर्थ है, और जो अधर्म से अर्थ पैदा होता है उसको अर्थ नहीं अनर्थ कहते हैं। अनर्थ किसको कहते हैं? जिसका परिणाम बुरा होता है। देश में लोग चाहते हैं कि दूसरे का चोरी कर लो, कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है तो प्रशासन के पैसे चोरी करता है, घपले करता है, सोचता है कि कहीं से भी पैसा आ जाए, लेकिन वह मनुष्य का जीवन सार्थक है जो धर्म पूर्वक धन कमाता है। मैं आपको एक घटनाक्रम सुनाता हूं। पहले लोग सुखी क्यों थे, आज दुखी क्यों है? करोड़पति हैं लेकिन दुखी हैं, क्योंकि उनका धन सच्चाई का नहीं है, लूट खसोट का होता है। और जिस देश में, जिस समाज में लूट खसोट मचती है वह क्यों मचती है? अधर्म के कारण। आजकल लोग पूजा पाठ तो करते हैं, खूब धार्मिक भी बनेंगे, लेकिन जिस मंदिर या आश्रम में पूजा पाठ होती है, धर्म के कार्य किए जाते हैं, वहां भी घपले चलते हैं। पंडे पुजारी, आप देखिए जगन्नाथ मंदिर में जाइए, आप वहां देख किसी पंडे को सेवा ना दीजिए, पैसा ना दीजिए, फिर देखिए उनका व्यवहार क्या होता है, आपको धक्के मारकर निकालते हैं। जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टी होते हैं वो भी घपले करते हैं। सब्जी बेचने वाला से लेकर, दूध बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर तक घपले करते हैं। तो वो जो अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं वो अनर्थकारी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म से अर्थ का उत्पादन करना चाहिए, अर्थ से लौकिक सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए, इसको कहते हैं काम। और तब क्या होता है, जो धर्म का आचरण कर रहा था वो अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति करे। मोक्ष की प्राप्ति किसको कहते हैं? अखंड मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति क्या है? लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। मुक्ति कहां से मिलेगी? जब तक परमात्मा का ज्ञान न हो, आपके बौद्धिक धरातल पर परमात्मा का बोध न हो जाए और आत्मिक धरातल पर आत्म चक्षुओं से साक्षात उसको देखे नहीं, और उसको देखने के बाद जन्म जन्मांतरों की तृष्णा को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे परमात्मा का बोध है या मुझे एक ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक यह नहीं मिलता तब तक आपके जीवन के मार्ग में अंधेरा ही रहता है। यह वाणी कैस क्यों आई है? साथ जी पहचानिए ये वाणी समया फजर। इस तारतम वाणी ने तारतम ज्ञान का उजाला कर दिया है। इस उजाले में हमें यह जानना है कि हम वास्तव में कौन है। क्या हड्डी मांस के पुतले हैं? हड्डी मांस का पुतला तो माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया है, हमें जन्म नहीं दिया है। हम तो तब से हैं जब से यह सृष्टि बनी है, हम अनेक जन्मों को धारण करते हैं लेकिन उस शरीर को छोड़ते जाते हैं। जो हमारा निज स्वरूप है इन 5 तत्वों से परे है, 3 गुणों से परे है, हम मन चित बुद्धि अहंकार से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, अंतकरण सबसे परे हैं, और वह जो हमारा शरीर है, स्वरूप है, उसको अग्नि जला नहीं सकती, तलवार से काटा नहीं जा सकता, सूर्य का प्रकाश भी उसको कष्ट नहीं दे सकता, ऐसा हमारा स्वरूप है। लेकिन यह कब मालूम होगा? जब तारतम ज्ञान का प्रकाश होगा, अन्यथा यह संसार क्या है? 5 मलिने काया पठी ते माहे जीव समान, 5 तत्व का ये पुतला है, और इस 5 तत्व के पुतले में कौन समाया हुआ है? ये जीव, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा जाएगा? समाधि की अवस्था में, जब शरीर से हम परे हो जाते हैं, मन चित बुद्धि अहंकार से परे होते हैं, तब हमारी चेतना स्वयं को देखती है कि हमारा स्वरूप कैसा है। यह तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हमारा शरीर था, हमारा स्वरूप था,
लेकिन जब तक इस स्वरूप का बोध नहीं होता हम किस में फंसे रहते हैं, इस शरीर में। यह शरीर क्या है? आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, कोई बच्चा है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेहुआ है, अलग अलग रूप रंग की ये आकृतियाँ हैं। ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है इन सभी प्रपंचों से परे है। और जीवन का उद्देश्य होता है, हर प्राणी के पास बुद्धि होती है कुछ ना कुछ, पशु पक्षियों के पास भी कुछ ना कुछ बुद्धि होती है कि कैसे खाना है, कैसे जीवन यापन करना है। मनुष्य को तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। आप जिन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, आप उनके मंदिर बनाते हैं, वे जानते हैं स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी ये तरसते हैं इस मानव योनि के लिए। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि गायंती देवा किल गीत गाने, धन्या तूती भारत भूमि भागे। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरा जन्म भारत वर्ष में एक बार दे दो। स्वर्ग पवर्ग पद मार्ग भूते भवंति भूया पुरुषा सुरत पुरुषासुरत। वे सोचते हैं कि भारतवर्ष में हमें जन्म मिल जाए तो हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा। स्वर्ग भी एक बंधन है, वैकुंठ भी एक बंधन है, निराकार भी एक बंधन है। यहाँ जो भिन्न भिन्न मतों के अनुयायी धर्म अनुरागी बैठे हैं, यदि उनको अखंड का ज्ञान न हो, वेद का ज्ञान न हो, परम धाम का ज्ञान न हो, तो क्या चाहेंगे कि जब मैं मरूं तो स्वर्ग में जाऊं। कोई चाहेगा वैकुंठ में जाऊं, कोई चाहेगा निराकार में जाऊं, क्योंकि परम धाम का ज्ञान किसी को नहीं मालूम है। चौथे तप को बका का कोई बोलिया नहीं करफ। इस सृष्टि में कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा योगी महात्मा हो जाए, कोई अखंड परम धाम के बारे में जानता नहीं था। इस तारतम बाणी ने सबको परम धाम का ज्ञान दिया। किसके द्वारा? प्राणा जी के स्वरूप में। आए खोले विजय अभिनंद बुद्ध। विजय जिसका अभिनंदन करे वह क्या है? विजय अभिनंद। विजय अभिनंद किसको कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी को। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम है वही प्राणनाथ है। अपने मंदिरों में ये कीर्तन सुना होगा कि तुम हो एक गुजर सबके प्राणपति, जो सबके जीवन का आधार है, सबका प्राणपति है, सबका प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, जो समस्त सृष्टि को जीवन दे रहा है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। उसी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को हम क्या कहते हैं? प्राण। मीराज एक तन का नाम है। उस तन में जो महामती आत्मा है, जब उस अपने प्राण वल्लभ को अपने हृदय मंदिर में बसा लेती है तो जैसे अग्नि में लोहा डाल दिया जाए तो लोहा भी आग के समान धकने लगता है। सभी उनके चरणों में आने वाले ब्रह्मनियों ने क्या कहा कि इस तन में हमारे प्रीतम अक्षरातीत बैठे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राणनाथ। बस ये कहानी है। उस तन से ये परम धाम की वाणी उत्तरित होती है और यह वाणी सबको परम धाम की राह दिखाती है। परम धाम क्या है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इनकर। यह समस्त सृष्टि कहां से पैदा हुई है? निराकार से। निराकार से परे क्या है? बेहद। बेहद के परे क्या है? अक्षर। और अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत। लेकिन अक्षर के पार अक्षरातीत की खबर संसार को नहीं है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में घूम आइए, यूरोप घूम आइए, अमेरिका घूम आइए, चर्च मिलेंगे, अरब देशों में जाइए मस्जिदें मिलेंगी। शब्द तो वे कहेंगे लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि हद से परे, बेहद से परे अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है। इसलिए जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है उनका सौभाग्य है। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मन के खंड भरतनो अने सृष्ट कुली सिद्धार। पामी पदार्थ चार, पहला पदार्थ क्या है? उत्तम मानव तन। भिन्न भिन्न योनियों में जाकर देखिए, तोते को देखिए, मनचाहा फल तोड़कर खा सकता है। मछली जहां चाहेगी तैर कर जा सकती है। पक्षी जहां चाहेंगे आकाश में उड़ सकते हैं। आप फ्लाइट से यात्रा करेंगे पैसा देना पड़ेगा। पक्षी को तो उड़ने की कला प्रकृति ने दी है।
आप फ्लाइट में यात्रा कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है? आप अच्छे अच्छे फल खाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? आप भवन बना लेते हैं, पक्षियों के घोंसले भी देखिए, वो भी कितने सुंदर होते हैं। आपकी विशेषता इसमें नहीं है, विशेषता यह है कि आपको मानव योनि मिली है, इसमें मस्तिष्क मिला है और इस मस्तिष्क के द्वारा आप सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात में जाना कहाँ। ये तो इधर तो ज्ञान सुनाइए, लोग भागे भागे आते हैं। उत्तर भारत में कई स्थान ऐसे हैं, या दक्षिण भारत में भी आप किसी को कुछ कहिए कि अरे भाई यह ग्रंथ पढ़ लो या चर्चा सुन लो, तो कहेगा अरे हमारे अभी काम से फुर्सत नहीं है। सबको क्या लग रहा है? काम। अभी कोरोना का समय आया था तो सबके पास समय हो गया था, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे। जिन्होंने जीवन में कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था, घर बैठे बैठे क्या करें, या तो पिक्चर देखें। लेकिन सोच रहे थे कि चारों तरफ लाशों के अंबार लग रहे हैं, तो मेरा भी कहीं नंबर ना आ जाए। तो लोग मजबूरी में कहिए, डर कर कहिए कि कुछ तो कुछ धर्म का कार्य कर लें, परमात्मा को याद कर लें। मनुष्य प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति कम करता है, भय से करता है। जैसे हवाई जहाज हो और नीचे कुछ परेशानी हो, उतरने में बाधा आ रही हो, और ये सूचना दे दी जाए कि अब हवाई जहाज का तेल खत्म होने वाला है, तो जिसने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया होगा वो भी सच्चा भक्त बन जाएगा उस दिन, क्योंकि उसको पता लगेगा कि अब तो कुछ मिनटों का खेल है, मरने वाले हैं, परमात्मा को याद कर लो। मनुष्य क्या हर प्राणी मरने से डरता है? लेकिन अच्छी तरह से नहीं डरता। यदि मनुष्य मृत को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, जैसे मान लीजिए किसी के घर मृत्यु होती है तो लोग छाती पीटते हैं, बहुत अनर्थ हो गया, परमात्मा ने मृत्यु क्यों बनाई? आप सोचिए, इस संसार में तो हर जगह परिवर्तनशीलता है। यदि कोई 90 साल का व्यक्ति हो जाए, 110 साल का व्यक्ति हो जाए, उसको चला फिरा ना जाए, बिस्तर पर ही सारी क्रियाकर्म हो, तो उसके लिए तो नरक है, जीवित रहना ही नरक बन जाता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, कोई आता है धोता है, घर के लोग प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा जल्दी से इनको ले जाओ, इनको मौत करा दो ताकि इनकी छुट्टी हो जाए। यदि सोचिए परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो क्या होता? लोग कहते हैं कि बुढ़ापा क्यों बनाया परमात्मा ने? मृत्यु और बुढ़ापा ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य थोड़ा डरता है, नहीं तो आज युवा वर्ग अपने सुंदर चेहरे को ही देखने में लगा रह जाता, सोचता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई है। उसको लगता है कि मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा, कुछ धर्म कर्म कर लेना चाहिए। इसी कारण भारतवर्ष में क्या है, इनका एहसास हो जाता है। विदेशों में जाकर देखिए, विदेशों में परमात्मा का चिंतन कम होता है, भौतिकता, वहां का युवा वर्ग मांस और शराब में डूबा रहता है। सुंदर शरीर है, पैसा है, धन है, 50 साल तक कोई कोई बिरला होता है जो सोचता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज होती है। यह भारत की धरती है जहां आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। उत्तम मानखे खंड भरथरो अने श्रेष्ठ कुलिसुदा। भारतवर्ष में भी जन्म मिल गया, मानव तन भी मिल गया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की सानिध्यता प्राप्त हुई। श्रेष्ठ कुली सिरदार, यह 28वां कलयुग जिसमें अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं। पुराण संहिता में एक श्लोक आता है, व्यास जी कहते हैं कलिर्धन्य 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 महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रणाम ब्रह्म वासना समुपापसन। यह कलयुग धन्य है जिसमें ब्रह्मात्माओं की सुरता आई है, ब्रह्मात्माओं के चरण कमल पड़े हैं और उनके कारण उनके प्रियतम स्वयं अक्षरातीत को आना पड़ा है, महामति जी के धाम हृदय में आवेश स्वरूप से विराजमान होना पड़ा है, परम धाम का ज्ञान लाना पड़ा है जो सारे संसार का मार्गदर्शन कर सके। वह वेद से बताए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उपनिषद से बताए, दर्शन शास्त्रों से बताए, गीता से बताए, कुरान से बताए, बाइबिल से बताए कि एक सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। आप देख रहे हैं ना,
कितनी लड़ाई हो रही है इजराइल और हमास के बीच में, केवल कट्टरता। तीनों कह रहे हैं कि ये जो अक्सा मस्जिद का स्थान है हमारा है, मुस्लिम भी कह रहा है, क्रिश्चियन भी कह रहा है, यहूदी भी कह रहा है, और इसी के पीछे न जाने कितने हजारों लोग मारे जा चुके हैं, भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं। वाणी क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना है तो पहले परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करो और उसको अपनी आत्मा के हृदय मंदिर में ही पा सकते हो। किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में वो बैठा नहीं है। जब भी मिलेगा तो आपको अपनी आत्मा के हृदय मंदिर में ही मिलेगा। आज से 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय मंदिर में परमात्मा है। आप गाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हारा मेरा दिल है इताई कुरवरा। यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं, धर्मावलंबी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि 5% 10% से ज्यादा संस्कृत किसी को आती होगी। गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, जब तक उसका हिंदी अनुवाद न दिया जाए आप नहीं जान सकते कि गीता में क्या लिखा है। लेकिन तारतम वाणी तो हिंदुस्तानी भाषा में है, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। छठवीं क्लास पढ़ा हुआ, पांचवी क्लास पढ़ा हुआ बच्चा भी वाणी को पढ़कर जान सकता है कि गीता में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, कुरान और बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए ये तारतम क्या है, अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित हुआ है। अरबी जाने बिना कुरान को आप नहीं जान सकते। ऐसे तो आज कुरान की, बाइबल की, वेद, उपनिषद, दर्शन सभी ग्रंथों की हिंदी में टीका प्राय मिल जाती है, लेकिन जो उसका अध्ययन चिंतन करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। इस तारतम वाणी को आप सरलता से सुनकर आसानी से जान सकते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये पानी समया फजर, इस तारतम वाणी ने उजाला कर दिया है। इस संसार के ग्रंथों की स्थिति क्या थी, इत दीपक उजाला क्या करे, ये तो 14 तपको तम, 14 लोकों में क्या है, अज्ञानता का अंधकार था। मूल प्रकृति मोह थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भुवन। पाताल से लेकर बैकुंठ तक अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। स्वर्ग वाले नहीं जानते कि परम धाम कहाँ है, अक्षरातीत कहाँ है। वे किसको अक्षरातीत मानते हैं, आदि नारायण को। बैकुंठ वालों को पता नहीं कि आदि नारायण से भी परे कुछ है। आदि नारायण को नहीं पता कि निराकार से परे कुछ है। ये तारतम वाणी बताती है। फिर ये थे नारायण, जिस मोह सागर को नारायण नहीं कर पा सके, और अंत में क्या कहा जाता है, शून्य पार ना ले सके हटके कहा अगम। फिर ये जहां थे नाम नारायण, नाम धराया निगम, शून्य पार ना ले सके हटके कहे अगम। ये सारा संसार क्या है, अक्षर के मन का खेल है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में आप क्या करते हैं, सपने में आप मान लें कि मुंबई चले गए, वहां किसी से आप दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, बहस हो गई, झगड़ा होता है, उसने आपको चांटा मार दिया, सपने में चांटा मारा, आप बिस्तर पर उठ जाते हैं कि उसने क्यों मुझे मारा। जब उठते हैं तो देखते हैं कि ये तो मैं सपना देख रहा था, झूठा, बस ये कहानी है। अक्षर के मन में संकल्प आता है कि ये ऐसा जगत बनाया जाए जो उत्पन्न होगा और लय को प्राप्त होगा। जो बनता है वो नश्वर होता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनना है। इसलिए इसको झूठा स्वप्न के दृष्टांत से बताया गया है। अक्षर का मन उस महामाया कारण प्रकृति मोह सागर में प्रवेश करता है तो उसको निद्रा से उपमा दी गई है। अब उसमें स्वयं को देखता है। प्रकृति के मंडल में जब अक्षर का मन प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं, ये आदि नारायण है। आदि नारायण का अर्थ जो मोह सागर में जो जिसका निवास बनाया है वह है नारायण, और उसी नारायण के संकल्प से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां बन जाती हैं, असंख्यों सूरज बन जाते हैं, उसमें प्राणी प्रकट हो जाते हैं। प्राणी प्रकट होंगे तो क्या करेंगे,
खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, वंश वृद्धि करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश होता है सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के रूप में। ऋषि मुनि देवी देवता प्रकट होते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन समय का प्रवाह होता है। यदि आपने ज्ञान अर्जन में चूक कर दी तो जीवन का अनमोल समय बीत जाता है। आप कभी बालक होते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, 70 साल के बाद लगता है कि अब हम ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं। 80-90 तक होते होते तो शरीर तैयारी कर लेता है कि अब इस संसार को छोड़ देना है। संसार छूटता नहीं है, शरीर छूट जाता है और जीव पुनः उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर माता के घर में प्रवेश करता है, 9 महीने के बाद फिर निकलता है, रेंगना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, फिर ये तृष्णा न जाने कितने पशु पक्षियों की योनि में भटकाती फिरती है। इसके चक्र से मुक्त होने का क्या तरीका है? केवल ब्रह्म ज्ञान। हम जाने हम कौन है, आए कहाँ से, और यदि हम जान जाते हैं कि हमारा निज स्वरूप क्या है, हमारा निज घर कहाँ है, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ हमारा घर नहीं है। मैंने अभी आपको दृष्टांत देकर बताया था कि स्वप्न में जैसे आप मुंबई चले जाते हैं, आपको चांटा पड़ जाता है तो आपकी निद्रा टूट जाती है और आपको लगता है कि मैं झूठा सपना देख रहा था। उसी तरह से आपके हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि मैं किस झूठी दुनिया में फंसा हुआ था, किस शरीर के बंधन में फंसा हुआ था, जिस परिवार को मैंने अपना समझा था, जिस घर को मैं अपना घर समझता था, यह मेरा असल परिवार नहीं है, यह मेरा असल घर नहीं है, मेरा घर कहाँ है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतने जागी घर। अब उसका हृदय किसको याद करता है? उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करता है। लेकिन यह सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है? तारतम वाणी की शरण में। यदि हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो हमारा जीव भटकता रहता है। हम सत्संग में जाते हैं, गीता का प्रवचन हो रहा होता है, आजकल इस्कान के अनुयायी देखिए जगह जगह घर घर में गीता बांट रहे हैं, लेकिन गीता को पढ़ने के बाद भी यदि आपके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो आप ये नहीं जान सकते कि वास्तव में गीता कह क्या रही। वेद पढ़कर भी आप नहीं जान सकते कि वेद क्या कहते हैं, उपनिषद पढ़कर भी आप नहीं जान सकते, कुरान बाइबिल भी पढ़कर आप नहीं जान सकते कि वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है और उसको पाने के लिए मैं क्या करूँ। आप देखते हैं कोई माला का जप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई आंख बंद करके ध्यान करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गुरुद्वारे में जा करके कुछ करता है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य एक होता है, सत्य को पाने का मार्ग केवल एक होता है। और जब तक आप शरीर से परे नहीं होंगे, मन बुद्धि से परे नहीं होंगे, आपकी चेतना स्वयं को नहीं जान सकती कि आप वास्तव में आप हैं कौन। इसलिए ये वाणी समया फजर, तारतम वाणी के इस अवतरण ने अज्ञानता के अंधकार को हटा दिया है और सारे संसार में उजाला कर दिया है। धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशन। जहां तक माया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी बात कही है, गो गोचर जहलक जाई सुसम माया जानो भाई। मन की जहां तक पहुंचे, इंद्रियों की जहां तक पहुंचे, वहां तक माया है। आप सृष्टि में कहीं भी चले जाइए, आप हिमालय की गुफा में सोचते हैं जाकर के कि हम तो माया को छोड़ा ही नहीं, आपने मोटी माया को छोड़ा है, जो सूक्ष्म माया आपके अंदर बैठी है उसको आपने नहीं छोड़ा है। मोटी माया क्या है? घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिष्ठा की चाहत है, लौकिक सुखों की जो वासना है, वह तो आपका अभी भी पीछा कर रही है। आपने भगवे वेश धारण कर लिए, सिर भी मुड़ा लिया, गुफा में भी बैठे हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन माया आपके मन में बैठी हुई है। जब संसार की सारी तृष्णाओं से आपका मन हट जाए, लोकेष्णा संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेष्णा सुख सुविधाओं की इच्छा, दारेष्णा शिष्यों का मोह समाप्त हो जाए। आजकल महात्माओं में भी झगड़ा क्यों चलता है?
हमारे शीश ज्यादा रहे, हमारे शीश ज्यादा रहे। जैसे गणेरिया अपने भेड़ों को पालता है, बकरियों को पालता है, वैसे साधु महात्मा भी किस लिए लड़ते हैं कि हमारे शिष्य ज्यादा होंगे तो हम बड़े महाराज कहेंगे। जैसे गृहस्थी लड़ते हैं वैसे इनमें भी लड़ाई होती है, ये भी एक प्रकार की माया है। बड़ी मोटी माया सब तजे जीनी तजी न जाए, जो सूक्ष्म माया अंदर बैठी है उसका विनाश कैसे होगा? तारतम ज्ञान के प्रकाश से हम उस सच्चिदानंद परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला को जाने। कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, वो साकार है कि निराकार है, इस सृष्टि के कणकण में है कि सृष्टि से परे है, उसको पाने के लिए हम क्या करें? नवदा भक्ति का सहारा लें कि गोपियों की भक्ति का सहारा लें, या तंत्र मंत्र करें, कर्मकांड करें, पूजा पाठ करें, या प्रेम लक्षण भक्ति के आधार पर हम उसका ध्यान करें? जब तक सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता हमारा जीव अज्ञानता के अंधकार में भटकता ही रहता है। और इसी को कहते हैं साथ जी पे जानी हो, ये पानी समया फजर, ये पानी समया फजर। ये इस तारतम वाणी से क्या हुआ है? माया का अंधकार समाप्त हो गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्नमी। अज्ञानता के अंधकार में संसार के सारे प्राणी सो रहे होते हैं। अब देखिए कि राजा भी सो रहा है, महात्मा भी सो रहा है, गृहस्थी भी सो रहा है, पशु पक्षी भी सो रहा है। क्यों? जो इस संसार में आने के बाद स्वयं को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, इस भवसागर से मुक्ति का मार्ग नहीं जानता, वो अज्ञानता की निद्रा में सो रहा होता है। और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, वो सावचेत हो गया, स्वयं को जानने के लिए कदम बढ़ा चुका है, ध्यान कर रहा है, एक परमात्मा पर अटूट निष्ठा रखता है। पतिव्रता की शक्ति क्या होती है ये जानना है, तो अनुसुईया के इतिहास को समझिए। पौराणिक कथा है कि सती अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु शिव आते हैं और कहते हैं कि अनुसुईया तुम्हें हम वरदान देंगे लेकिन तुम्हें पहले हमारे सामने नग्न होकर के आना पड़ेगा। अनुसुईया क्या करे? पौराणिक कथा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अनुसुईया संकल्प करती है कि तीनों देवता बालक बन जाए, और सचमुच तीनों देवता 6 माह के बालक बन जाते हैं, उनको पालने में झुला देती है। 6 माह के बालक के सामने माता नग्न भी हो जाए तो क्या अंतर पड़ता है? आप जहां जहां जाएंगे विष्णु भगवान के शंकर जी के मंदिर बनते हैं, उनको 6 महीने का बालक बनाने की सामर्थ्य किसमें है? उस पतिव्रता सती अनुसुईया में। यदि अनुसुईया अपने पति के सच्चे प्रेम से ऐसा कर सकती है, यदि सावित्री अपने सतीत्व के बल पर यमराज को लुटा सकती है, तो यदि आपकी आत्मा उसी सच्चिदानंद परमात्मा से अटूट प्रेम करेगी तो आपके अंदर कितनी शक्ति होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सत्य ज्ञान का प्रकाश चाहिए कि परमात्मा कितने हैं, 2-3-4 नहीं है, 9 द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपिचते। परमात्मा 2-3-4 नहीं है, एक है, एकम एव अद्वितीय। आप बता सकते हैं कि इस समय भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? एक ही होगा, 2 तो नहीं होगा, कोई बनेगा, भले ही एक कोई बने लेकिन एक ही प्रधानमंत्री होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा। तो सृष्टि में परमात्मा कितने होंगे? परमात्मा तो एक होगा, लेकिन यह बात हिंदू समाज को समझ नहीं आती कि परमात्मा एक है तो अलग अलग क्यों बना रखे हैं। हिंदू समाज में एक सबसे बड़ा जो भय पैदा है कि हम देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, और अनपढ़ नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये भय समाया हुआ है। किसी के कि घर में थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो ये भ्रम फैला दिया जाता है कि देखो तुमने घर के देवता की पूजा नहीं की तो तुम्हारा ये नुकसान हो गया, इसलिए घर के देवता की पूजा करो। पूछा जाए घर का देवता कौन है? दिखता तो है नहीं। देवता उसको कहते हैं जो कुछ देता है।
घर के जितने भी वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो देवता है। माता देवता है, उसने जन्म दिया है। पिता देवता है, जिसने हमें पालन पोषण किया है। घर में जो दादा दादी रहते हैं, जिनके पास ज्ञान है, सिर के बाल के सफेद होने से कोई वृद्ध नहीं होता, वृद्ध वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है। आज की नई पीढ़ी तो दादा दादी के पास जाती ही नहीं, और वो युग भी कम चला गया जब एक घर में दादा दादी रहते थे, सभी घर के लोग उनके चरण छूते थे। आज तो सोचते हैं कि ये कब बूढ़े बूढ़ी हम खत्म हो जाए। गाँव में तो थोड़ा बहुत पालन भी होता है, शहरों में तो बहुत बुरा हाल है। जो करोड़ों पति हैं, वो एक माता को अपने वयोवृद्ध पिता का पालन को पोषण करने में बोझ समझते हैं। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, माता दादा दादी को खांसी हो गई तो कहते हैं कि दादा दीजिए आपने डिस्टर्ब कर रखा है। एक जिस दादा ने पोते को गोद में खिलाया है, वो पोता बड़ा होने पर बोझ समझता है। ऐसा भौतिकता का युग आ गया। जो प्रत्यक्ष चेतन देवता है, उनका सम्मान कीजिए, वयोवृद्धों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, उनसे ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, वो देवता है। आपने घर में ईंट का चबूतरा बना दिया, कहते हैं कि यही देवता है, उसको मिष्ठान खिलाते हैं, 56 भोग बनाकर खिलाते हैं और कहते हैं कि यही हमारे देवता है। ऐसा नहीं है। हिंदू समाज जब तक भय नहीं छोड़ेगा, भय कौन करता है? जो अज्ञानी होता है। लोग कहते हैं कि परमात्मा से भय करना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। परमात्मा से भय नहीं करना चाहिए, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। भय किससे करना चाहिए? बुरे कर्म करने से भय करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, एक नौ दंपति नौका में जा रहे थे, पति को मजाक सुझा, उसने रिवाल्वर निकाली, उसमें 6 गोलियां भरी हुई थी, अपनी पत्नी की तरफ तान दिया और कहा कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, बनावटी गुस्से में उसने बोला। पत्नी हंसने लगती है, पति कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें अभी मरना होगा। पत्नी और जोर से हंसने लगती है, कहती है कि मेरे बिना तो तुम नहीं रह सकते, तो मुझे कैसे मार सकते हो? यदि इस दुनिया का पति अपनी पत्नी को इतना चाहता है, तो परमात्मा तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसने जो संविधान बनाया है कि किसी प्राणी की हिंसा न करो, किसी के धन की चोरी न करो, किसी का मन वाणी कर्म से बुरा न करो, यदि आप उसके नियमों को तोड़ेंगे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप चाहे चारों धाम की यात्रा कर आइए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, उस पाप का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यह मत सोच लीजिए कि गंगा में जी में स्नान कराएंगे तो पाप कट जाएंगे। पाप कभी कटते नहीं है, पाप का फल भोगना पड़ता है, अन्यथा पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगना पड़ा होता। युधिष्ठिर जिनको धर्मराज का अवतार कहा जाता है, युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा नहीं गला होता, क्योंकि उनके पास तो पुण्य ही पुण्य थे। एक झूठ बोल दिया, अश्वस्थामा मरण नरो वा कुंजर, उसको कट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हिमालय पर चलते समय उनके भी पांव का अंगूठा गल जाता है। भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा को भी बाणों की सरसैया पलटना पड़ता है, क्योंकि 101 जन्म पूर्व उन्होंने एक निर्दोष अजगर को तीर से बेंध दिया था। मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म का फल उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, इसलिए सपने में भी मन वाणी और कर्म से कभी बुरा कर्म न कीजिए। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझिए, पराई स्त्री को माँ के समान समझिए। कभी भी किसी का दिल न दुखाइए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच्चिदानंद परमात्मा आपसे प्रेम करेगा। आप मिट्टी के चबूतरों को देवता मानते हैं, जो प्रत्यक्ष देवता है उसको तो आप जानते ही नहीं। बार बार कहा जाता है कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवताओं की भक्ति होती है। टीवी पर डिबेट आती है, उसमें जो बड़े बड़े महाराज आते हैं वो भी नहीं जानते 33 करोड़ देवता क्या होते हैं। त्रैत्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा अस्कम्भम तम ब्रह्मकतमस्य देवा। आज हिंदू समाज
जड़ देवताओं की पूजा करता है, चेतन देवता है उसके बारे में वो जानता नहीं। मैंने आपको बताया देवता कौन है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है। वो कुछ देते हैं, माता जन्म देती है तो पिता पालन पोषण करता है, आचार्य ज्ञान देता है, अतिथि रूप जो धर्मात्मा महापुरुष संत महान महात्मा आते हैं आपके यहाँ वो ज्ञान देते हैं, इसलिए वो देवता है। 33 जड़ देवता है। जड़ देवता किसको कहते हैं? जिनके बिना सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं एक कक्ष में बंद कर दिया जाए और ऑक्सीजन हटा लिया जाए 5 मिनट के लिए, कोई जीवित बचेगा? आपको 10 दिनों तक पानी पीने को न दिया जाए तो क्या होगा? सूर्य 6 महीने तक उगे ही नहीं तो कुछ धरती पर पैदा होगा क्या? तो ये पांचों तत्व सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये अष्ट वसु हैं, 8 देवता ये हैं। द्वादश आदित्य वर्ष के 12 महीने ये सबकी आयु को हर लेते हैं, इसलिए इनको द्वादश आदित्य कहते हैं। 20 एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। मन के बिना तो हमारे हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते, 10 प्राण है तभी तो हम जीवित हैं। ये एकादश रुद्र है क्योंकि जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। 31 हो गया। 32वां प्रजापति यज्ञ, यज्ञ को प्रजापति कहते हैं, जो अभी आप जो चर्चा का श्रवण कर रहे हैं आप भी एक यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपकी आत्मा उसको आत्मसात कर रही है, अर्थात ज्ञान रूपी हविष की आहुति में आपके हृदय रूपी यज्ञ कुंड में डाल रहा हूं। हवन करते हैं तो क्या करते हैं? अग्नि जल रही होती है उसमें हविष डाला जाता है, उससे सुगंध फैलती है। वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को आत्मसात आप कर रहे हैं, इसलिए आप भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 33वां देवता क्या है? विद्युत, इंद्र जिसको कहते हैं। ये 33 जड़ देवता है। जैसे अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज तो अब तक पहुंच ही नहीं पाएगी, मेरी आवाज इतनी कोई जोर से नहीं है कि मैं बोलूं तो पीछे वाले सुन ले। इसलिए ये 33वां देवता है इंद्र, ये जड़ देवता है। इनके बिना सृष्टि का काम ही नहीं चल सकता, सृष्टि भी इनसे बनी है। लेकिन इनको बनाने वाला कौन है? जो एक परमात्मा है जिसको देवों का देव कहते हैं, केवल उसी की परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? एको देवो भुवनस्य राजा। सारी सृष्टि का परमात्मा कौन है? परम देवता एक परमात्मा, केवल उसकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन हिंदू समाज ये मानने को तैयार नहीं है, और यही सबसे बड़ी भूल है कि एक परमात्मा से पीठ मोड़कर न जाने कितने काल्पनिक देवी देवताओं को बना रखा, जिसका वर्णन न वेद में है, न उपनिषद में है, न गीता में है। गीता बार बार कह रही है कि अनन्य भाव से एकमात्र उसी परमात्मा का चिंतन हम करें तो हमें उस सच्चिदानंद परमात्मा का बोध होगा। लेकिन परंपरा की दुहाई दी जाती है और भय बैठाया जाता है कि देखो तुमने घर के देवता की देवी की भक्ति नहीं की। कुल देवी, कुल देवी किसको कहते हैं? सबने अपने अपने कुल देवता बना रखे हैं, कुल देवी बना रखी है, ग्राम देवता बना रखे हैं। एक चबूतरा खड़ा कर देंगे, कह देंगे कि ये गांव का देवता है। इतिहास को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति था मर गया, उसका चबूतरा बना दिया गया, पूरे गांव का देवता हो गया। वहां ले जाकर कोई बकरों का कान काटता है, कोई खीर पूड़ी चढ़ाता है। अरे भाई, जो पत्थर का टुकड़ा है वो तो खा नहीं सकता। आपके घर कोई भिक्षुक आता है आप धुतकार करके भगा देते हैं, उसको 2 मुट्ठी अन्न नहीं दे सकते, एक सूखी रोटी नहीं दे सकते, और पत्थर के भगवान देवता को सब कुछ खिलाते हैं। जो आपके घर में वयोवृद्ध हैं वो देवता हैं, जो आपको ज्ञान देता है, आपका पालन पोषण करता है, वो चेतन प्राणी हैं, उनको खुश कीजिए, सृष्टि में कोई भी दुखी ना हो। साक्षात नारायण कहाँ बसता है? आपके हृदय में बसता है। परमात्मा कहाँ बसता है? आपके हृदय में बसता है। इसलिए किसी चेतन प्राणी को दुखी न कीजिए। भारतवर्ष जब तक जड़ की पूजा से ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए
वेदों की व्याख्या में जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं उनके कथन को मानिए कि मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरुषों वेद, माता को देवता मानिए, पिता को देवता मानिए, आचार्य को देवता मानिए, पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। इसलिए जब चेतन की आप सेवा करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। जो 33 जड़ देवता हैं ये तो परमात्मा ने आपके लिए आपकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, इनको शुद्ध रखिए, वायु जल को गंदा न कीजिए, वातावरण को पवित्र रखिए कि हवा दुर्गंधित ना हो, आपके आसपास का जल दुर्गंधित ना हो। लेकिन मनुष्य तो उल्टा काम करता है, मछलियों को पैदा किया गया था कि जल को शुद्ध रखेगी, मनुष्य ने मछलियां खाकर सारे जल को शुद्ध कर दिया। परमात्मा ने मुर्गी मुर्गी बनाए कि ये गंदगी को खा जाएंगी, तो मनुष्य ने उन्हीं को खाना शुरू कर दिया। मनुष्य का सारा काम उल्टा ही होता है। इसलिए साथ जी पहचानियो ये बानी समया फजर, हुई तुम्हारी कारणे खोल देखो निज नजर। आपके ऊपर उस सच्चिदानंद परमात्मा की अपार कृपा है कि उस परमात्मा की करुणा की वृष्टि आपके ऊपर हुई है। आपको परम धाम का ज्ञान देने वाली ये तारतम वाणी जो 18,758 चौपाइयों में है, आप YouTube पर तारतम वाणी की चर्चा सुन सकते हैं। SPGIN वेबसाइट में आप 133 भाषाओं में इसकी टीका पढ़ सकते हैं। 18,758 चौपाइयाँ पुकार पुकार कर क्षर अक्षर के पार है, पिया अक्षरातीत आधार, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार, इसका ज्ञान दे रही है कि ये क्षर जगत कहाँ तक है, जहाँ तक सृष्टि है, और ये सृष्टि कहाँ से बनी है, जिस निराकार से बनी है। दुनिया का ज्ञान उस निराकार में समाप्त हो जाता है। संसार के सारे वैज्ञानिक भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि इस निराकार से परे क्या है। सृष्टि को बनाने वाला आदि नारायण भी नहीं जानता है कि निराकार से परे क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी निराकार से परे नहीं हो पाते हैं। आपको परम धाम का यह अलौकिक ज्ञान मिला है जो यह बताएगा कि निराकार के परे बेहद है योग माया का ब्रह्मांड है, जहाँ महाराज की लीला हुई थी। उस बेहद से परे अक्षर है और अक्षर से परे एक अक्षर अतीत है। उस अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बिसाइए, आपका जीवन धन धन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग घर द्वार छोड़ दें, आप अपने घर में रहिए। मेरे कहने से भी आप नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि माया का मोह का बंधन इतना है। मैं तो कहता हूँ कि आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, उसमें 1 घंटे का समय निकालिए तारतम वाणी का चिंतन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। आपको YouTube पर 1500 घंटे से ज़्यादा का प्रवचन मिल सकता है। अभी तो देखिए आपने 2 दिन का कार्यक्रम किया है, इसमें आपने कितना धन खर्च किया होगा। मैं आज 1 घंटा चर्चा कर रहा हूँ, कल बहुत होगा, 1 घंटा कर दूँगा। लेकिन आपको YouTube पर 1500 घंटे से ज़्यादा का प्रवचन मिल सकता है। 133 भाषाओं में वाणी बीतक की टीका मिल सकती है, सभी ग्रंथों की टीका मिल सकती है। आप घर बैठे ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कीजिए, अपने अंदर विवेक को धारण कीजिए कि इस मानव तन को धारण करने का हमारा लक्ष्य क्या है। यदि आप 1 घंटा चितवनी नहीं कर सकते, 1 घंटे वाणी का चिंतन नहीं कर सकते, तो क्या होगा? मौत धीरे धीरे दस्तक देती रहती है। पहले आपके बाल सफ़ेद होंगे, फिर शरीर कमजोर होता जाएगा। एक दिन बिना बताए बिना सूचना दिए मौत आएगी, आपके जीव को शरीर को बाहर कर देगी। आपके परिवार वाले रोते उस दिन रोग आकर दिखा देंगे, कुछ दिनों के बाद आपको भुला देंगे, अगले वर्ष वर्षी मनाएंगे, कुछ लोग कुछ को खिला पिला देंगे। बस यही तो कहानी है। आपका कोई नहीं है, आपका केवल है तो सच्चिदानंद परमात्मा जो हर पल आपके साथ रहता है। लेकिन आपको लगता है कि परमात्मा को किसने देखा है? अरे जो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार रिश्तेदार है, यही तो मेरे सब कुछ हैं। ये आपका भ्रम है। आप जन्मे थे अकेले, शरीर छोड़ेंगे अकेले, आपके मरने पर कोई आपके साथ मरने वाला नहीं है। न माता पिता मरेंगे, न आपके बाल बच्चे मरेंगे, न रिश्तेदार मरेंगे। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। इसलिए इस नश्वर संसार की वास्तविकता को समझना मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। हम स्वयं को जाने, हमारा निज स्वरूप क्या है, हम जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हमें क्या करना है। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं
तो आपका जीवन धन धन होता है। मैं आशा करूंगा कि आप जितने सभा मंच में बैठे हुए पंडाल में मेरी बात को स्वीकार करेंगे, अधिक से अधिक चर्चा सुनेंगे, अधिक से अधिक 24 घंटे में 2 घंटे यदि आप अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए देते हैं तो कुछ वर्षों में आप घर पर बैठे बैठे वह आनंद प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति कंदराओं में चले जाते हैं, भयानक वनों में चले जाते हैं। वह सारा सुख आपको तारतम वाणी के प्रकाश में घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है।